हेलो दोस्तों, मैं आशुतोष सिंह, समीक्षा अधिकारी जॉब मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो हमने कल्चर्स की PYQ सीरीज शुरू की थी, जहां पर आज हम उसके पार्ट टू को डिस्कस करेंगे। पार्ट टू में आज हम मेजर फेस्टिवल्स एंड फेयर्स ऑफ इंडिया, अर्थात भारत के प्रमुख पर्व त्यौहार एवं मेले, इनके बारे में डिस्कस करेंगे, जो भी PYQ क्वेश्चंस आए हैं। तो पहले ये एक शॉर्ट स्लाइड है, ये भारत के कुछ प्रमुख त्योहारों के नाम दिए हुए हैं और ये उनसे संबंधित राज्य हैं। हमारे एग्जाम में यही पूछा जाता है कि ये त्योहार है किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक। और आपको भी यही याद रखना है, बाकी कुछ भी इधर उधर की चीजें नहीं याद रखनी है, ठीक। जैसे केरल राज्य में जो इम्पोर्टेंट फेस्टिवल है वह ओणम, ठीक। तमिलनाडु में दो हैं, एक पोंगल एक जलीकट्टू, ठीक। जलीकट्टू में जो जानवरों की लड़ाई करवाई जाती है और उनसे रेस करवाई जाती है, स्पेशली बैलों से, ठीक, जलीकट्टू। नागालैंड का जो फेमस फेस्टिवल है वह है हॉर्नबिल फेस्टिवल। बिहार का है छठ पूजा। ये छठ पूजा मेनली बिहार का पर्व हुआ करता था, लेकिन आज के दौर में ये नॉर्थ इंडिया में पूरी तरीके से फैल गया है। लेकिन अगर छठ पूजा का नाम दिया जाएगा तो संबंध किससे होगा? बिहार से। गोवा में सनबर्न उत्सव मनाया जाता है। हरियाणा में वही सूरज कुंड शिल्प मेला मनाया जाता है, और बैसाखी, ये दोनों हरियाणा से संबंधित है। जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप उत्सव, इस उत्सव को मैंने पर्सनली अटेंड किया था। मैं घूमने गया था जम्मू कश्मीर, तभी वहां पर ट्यूलिप उत्सव मनाया जा रहा था, तो बहुत ही अच्छा है यहाँ ये उत्सव, ठीक है। इसमें एक ट्यूलिप गार्डन होता है, वो ओपन कर दिया जाता है, और वहां पे ट्यूलिप गार्डन में हजारों वैरायटी के फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, वो आपको देखने को मिलते हैं, और वो एक पर्टिकुलर सीजन में 1 मंथ के लिए ही ओपन होता है केवल पूरे साल में, ठीक, बहुत ही सुंदर लगता है। झारखंड के दो त्यौहार फेमस है, एक करम उत्सव, एक सरहुल। सरहुल ज्यादा इंपॉर्टेंट है और दूसरा है करम उत्सव। पंजाब में लोहड़ी और बैसाखी, ये नाम तो आपने सुना ही होगा, लोहड़ी और बैसाखी किससे संबंधित है? पंजाब से। बैसाखी जो है पंजाब में ही मनाया जाता है, हरियाणा में ही मनाया जाता है, ठीक है। अगर आपके पास ऑप्शन में पंजाब रहेगा तो आप प्रेफरेंस पहले पंजाब को देंगे, अगर पंजाब नहीं रहेगा तो आप हरियाणा को चूज करेंगे, ठीक। राजस्थान से संबंधित बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे हाथी महोत्सव, ठीक, पुष्कर मेला। पुष्कर एक वहां पे राजस्थान में झील है पुष्कर, उसी के पास मनाया जाता है पुष्कर मेला, ठीक। यहाँ पे ऊंट जो होते हैं उनकी खरीद फरोख्त होती है, ठीक है। पतंग महोत्सव भी राजस्थान में मनाया जाता है, ठीक। पश्चिम बंगाल में दो त्योहार बहुत ही फेमस है, दुर्गा पूजा और काली पूजा। दुर्गा पूजा में तो पश्चिम बंगाल में 1 महीने की छुट्टी होती है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है दुर्गा पूजा, ठीक। अगर आपको कहीं का दुर्गा पूजा देखनी हो तो पश्चिम बंगाल जाइए, ठीक। उड़ीसा की फेमस है रथ यात्रा, भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, ठीक। असम के तीन त्योहार फेमस हैं, एक है माजुली महोत्सव। माजुली वहां पे एक आइलैंड है, एक छोटा सा द्वीप है ब्रह्मपुत्र नदी में, उसी के नाम पे माजुली महोत्सव मनाया जाता है, ठीक। बिहू, बिहू वहां का एक डांस भी है, और देहिंग पटकई, ये कहाँ का है? असम का। कर्नाटक में हम्पी महोत्सव और उत्तर प्रदेश में ताज महोत्सव, ये कुछ इंपॉर्टेंट फेस्टिवल्स हैं, ठीक, या मेले हैं। ऐसे तो बहुत सारे हैं, अब बताएंगे तो आपको याद भी नहीं हो पाएगा ये, लेकिन ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो पूछे गए हैं और इंपॉर्टेंट हैं, अलग अलग एग्जाम से पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन्हें शॉर्टलिस्ट करके यहाँ पे इकट्ठा कर लिया। आप इन्हीं को पढ़ के जाइएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए आज के हम पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कि सरहुल फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया। अच्छा, आप ये देख रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सबसे लास्ट में रखा है इस स्लाइड में, ठीक है, तो उसे हम सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 2 है, सरहुल फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट ऑफ इंडिया, अर्थात सरहुल उत्सव भारत के किस राज्य से संबंधित है। तो सरहुल का संबंध किससे है? झारखंड से, अभी मैंने प्रीवियस स्लाइड में बात बताई है। देखिए, ये सरहुल झारखंड में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय आदिवासी त्यौहार है, ठीक। यह त्यौहार नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। देखिए, ये
जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ये झारखंड में आदिवासी लोग हैं, ये सरहुल त्योहार को मना रहे हैं। ठीक, बहुत सारे खाने पीने की वस्तुएं बनाई हैं इन्होंने, ठीक, भगवान को चढ़ा रहे हैं भोग। और ये झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री थे हेमंत सोरेन, ये भी देखिए सरहुल महोत्सव मनाते हुए दिख रहे हैं आपको। ठीक, तो ये फोटोज मैंने इसीलिए लगाई है ताकि आप रिलेट कर पाए। ठीक, तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आज के। हॉर्नबिल फेस्टिवल विच अकर्स इन दिसंबर मंथ ऑफ एवरी ईयर इज हेल्ड इन विच स्टेट, अर्थात हॉर्नबिल पर्व जो प्रतिवर्ष दिसंबर माह में मनाया जाता है किस प्रदेश में आयोजित होता है। तो हॉर्नबिल महोत्सव जो है उसका संबंध है नागालैंड से। तो देखिए हॉर्नबिल महोत्सव में क्या होता है कि नाच गाना होता है। ठीक, और नागालैंड का एक प्रमुख त्योहार है। देखिए ये लोग डांस कर रहे हैं आदिवासियों के कपड़े पहन के, और यहाँ पे ये व्यक्ति ढोलक बजा रहा है। देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल वहां पे देखिए कुछ अलग तरीके से पहनावा किया जाता है इस त्योहार के दौरान। ठीक, ये आदिवासियों का त्योहार हो जाता है। ठीक, तो हॉर्नबिल फेस्टिवल रिलेटेड विद नागालैंड। आई होप आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा होगा जो मैंने फोटोज फिगर्स लगा के जब बताता हूँ। ठीक, चीजों को रिलेट करना अब अच्छा लगता है। ठीक, तो नवरोज इज अ न्यू ईयर ऑफ, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक, अर्थात नवरोज यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, मतलब किस धर्म का नव वर्ष है। अलग अलग त्योहारों के अपने नव वर्ष होते, अलग अलग धर्मों के अपने नव वर्ष होते हैं। तो ये पूछा जा रहा है कि नवरोज जो है ये किस धर्म का नव वर्ष है। तो ये पारसी जो धर्म होता है उसका नव वर्ष होता है नवरोज। देखिए मैंने यहाँ लगाया है, ये पारसी है, ये जो टोपी है ये पारसी धर्म का सिंबल है। ठीक है, पारसी लोग इस तरह की टोपी पहनते हैं, आपने इस कुछ मूवीज में देखा भी होगा। ठीक, मे दिस नवरोज ब्रिंग अलोंग ब्राइटर डेज फॉर यू, मे यू एंजॉय दिस ओकेजन विथ मेमोरेबल सेलिब्रेशंस, हैप्पी पारसी न्यू ईयर। देखिए पारसी लिखा है ना, और यहाँ पे क्या लिखा है नवरोज, तो पारसियों से संबंधित है नवरोज का त्योहार। ठीक, अगर आपने एक मूवी देखी होगी रुस्तम मूवी है बॉलीवुड में अक्षय कुमार की, ठीक है, तो उसमें वो भी क्या थे, पारसी थे। ठीक है, अक्षय कुमार को पारसी दिखाया गया है, और उनके जो कुछ फ्रेंड्स रहते हैं जो उनकी हेल्प करते हैं वो भी पारसी रहते हैं, और इस तरह की टोपी पहने रहते हैं। ठीक है, मुझे याद आ गया तो मैं कहा बता दूं, थोड़ा सा रिलेट करना आसान हो जाता है। तो पापेटी फेस्टिवल बिलोंग्स टू फिल इन द ब्लैंक्स, अर्थात पापेटी जो पर्व है उसका किससे संबंध है। तो फिर से इसका संबंध किससे है, पारसियों से ही है। देखिए ये मैंने स्क्रीनशॉट लगाया है, लिखा है हैप्पी पापेटी। ये न्यू ईयर में ही मनाया जाता है लेकिन एक दिन पहले मनाया जाता है नवरोज से। देखिए पापेटी पारसी समुदाय का नववर्ष का त्योहार है, यह त्योहार नवरोज से एक दिन पहले मनाया जाता है। देखिए नवरोज से एक दिन पहले मनाया जा रहा है पापेटी पर। ठीक, पापेटी को पश्चाताप का दिन माना जाता है, इस दिन लोग अपने पापों के लिए माफी मांगते हैं और पुरानी बातों को भूलकर नई उम्मीदों के साथ एक नए साल का स्वागत करते हैं। ठीक, तो पापेटी बस ये याद रखिएगा किससे संबंधित है, पारसियों से संबंधित। बहुत से लोग सोच रहे होंगे शुरुआत में बताया था वो कहाँ क्यों नहीं आ रहे, कौन सा किस स्टेट से रिलेटेड, अभी आएंगे क्वेश्चंस। ठीक, हॉर्नबिल फेस्टिवल विच अकर्स इन द दिसंबर एवरी ईयर इज हेल्ड इन विच स्टेट, तो इसका फिर से वही आंसर होगा नागालैंड। देखिए आप सोच रहे होंगे वही क्वेश्चन मैंने क्यों रिपीट किया, एक्चुअली ये रिपीटेड होके आया है। ठीक, हॉर्नबिल फेस्टिवल से रिलेटेड ऐसे कई फेस्टिवल्स और भी हैं जो बार बार रिपीट हुए हैं, तो मैंने कहा कि एक बार इन्हें भी लगा दूं। ठीक, ताकि आपको लगे कि पता चले कि हाँ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है विच एनुअल फेयर इज फेमस फॉर द ट्रेड ऑफ कैमल्स, अर्थात कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका सही आंसर होगा पुष्कर मेला। ठीक, अभी मैंने बताया था पुष्कर मेला कहाँ पे मनाया जाता है, राजस्थान में। ठीक, पुष्कर एक झील है राजस्थान में, उसके किनारे पुष्कर मेला मनाया जाता है। वहां पर ये देखिए फोटोज लगी हैं, बहुत सारे ऊँटों को अलग अलग राजस्थान या देश के क्षेत्रों से लाया जाता है, और यहाँ पर ऊँटों को खरीदा जाता है। ठीक, और बेचा जाता है। ठीक, इसे कैमल फेस्टिवल भी इसीलिए कहते हैं। ठीक, विदेशी भी यहाँ बहुत मन से आते हैं इसे देखने। ठीक, देखिए ये फोटोज लगी हुई है। ठीक, तो चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
पुष्कर फेयर इज हेल्ड इन विच स्टेट एनुअली। अब देखिए, अब ये पूछा जा रहा है स्टेट का नाम। ठीक, तो मैंने बताया था पुष्कर मेला कहाँ में आता है, राजस्थान में। तो पुष्कर मेला राजस्थान के अजमेर जिले, आप जिला भी याद रखें तो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेला है, इसलिए अजमेर जिले के पुष्कर शहर में लगने वाला एक वार्षिक मेला है। यह मेला कार्तिक महीने की एकादशी से पूर्णिमा तक लगता है। इस मेले को पुष्कर ऊंट मेला भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे ऊँटों को खरीदा और बेचा जाता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा ऊंट मेलों में से एक है। इस मेले में पशुओं की खरीद फरोख्त के अलावा कई तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होते हैं। ठीक, तो आप याद रखिएगा पुष्कर मेला कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान के अजमेर जिले में, और दुनिया का सबसे बड़ा ये ऊंट मेला है। ठीक, पुष्कर मेला। फिर आज का हमारा अगला क्वेश्चन है, पोंगल इज द फेमस फेस्टिवल ऑफ विच स्टेट, अर्थात पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रसिद्ध त्यौहार है। पोंगल तमिल हिंदुओं का एक प्रमुख त्यौहार है, तो तमिल हिंदू कहाँ पाए जाएंगे, तमिलनाडु में। ठीक, यह त्यौहार फसल कटाई और संपन्नता के प्रतीक के तौर पर मनाया जाता है। तो पोंगल क्यों मनाया जाता है, फसल जो कटाई होती है उसकी खुशी में मनाया जाता है कि फसल कटी है। ठीक, अब इससे हमारे घर में संपन्नता आ जाएगी। देखिए, ये तमिल जो औरतें हैं ये उस दिन खाना बना रही हैं, प्रसाद बना रही हैं। ठीक है, बिल्कुल ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके से। ठीक, इसमें देखिए आदमी लोग भी मदद करते हैं, घरों में रंगोलियां मनाई जाती हैं। ठीक, तो पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख त्यौहार है। ठीक, आप इसे याद रखिएगा। तो अगला क्वेश्चन है, इन मध्य प्रदेश कुंभ फेयर इज हेल्ड एट, अर्थात मध्य प्रदेश में कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है, कहाँ पर किया जाता है, ये भरना है। ठीक, तो कहाँ पर किया जाता है, उज्जैन। तो जो कुंभ मेला है ये हिंदू धर्म में आपको पता होगा बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ठीक, कुंभ मेले में जब नदी में स्नान करते हैं तो ये माना जाता है कि जो व्यक्ति होता है उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो ये 12 वर्षों के अंतराल पर मनाया जाता है। ठीक, और इस 12 वर्षों के दौरान, ठीक, ये 4 बार अलग अलग स्थानों पर मनाया जाता है। जैसे 4 वर्ष के गैप पे पहले हरिद्वार में गंगा नदी पर मनाया जाता है। ठीक, फिर उज्जैन में क्षिप्रा नदी पर। उज्जैन कहाँ पर है, एमपी में, यही पूछा है यहाँ पर क्वेश्चन में। ठीक, और नासिक में गोदावरी नदी पर, और प्रयागराज में गंगा यमुना और सरस्वती के पौराणिक संगम पर। ठीक है, तो आपको ये याद रखना होगा कितने वर्षों पर मनाया जाता है, 12 वर्षों पर मनाया जाता है महाकुंभ, और हर 4 वर्ष के गैप पे इन अलग अलग स्थानों पर बदला जाता है। पहले हरिद्वार से शुरू होगा, फिर 4 साल बाद उज्जैन में, फिर 4 साल बाद नासिक में, फिर 4 साल बाद प्रयागराज में। ठीक, इस बार 2025 में जो महाकुंभ है वो प्रयागराज में आयोजित हो रहा है, और इसकी तैयारियां बहुत जोर शोर से चल रही है प्रयागराज में। अब चूंकि मैं यहीं पे हूं तो देख पा रहा हूँ पूरे इलाहाबाद में एकदम अलग ही माहौल बना हुआ है। ठीक, हर जगह सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, सौंदर्यीकरण के कार्य हो रहे हैं। ठीक, आज के दिन सीएम और पूरी जो बड़े बड़े नेता हैं वो लोग आएंगे और पूरे कार्य की समीक्षा करेंगे। तो अगला क्वेश्चन है, वेयर इज द पॉपुलर रथ यात्रा फेस्टिवल सेलिब्रेट, अर्थात लोकप्रिय रथ यात्रा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। तो ये कहाँ मनाया जाता है, पुरी में, उड़ीसा के पुरी में। तो भगवान श्री कृष्ण के अवतार माने जाने वाले कौन, भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलराम और अपनी बहन सुभद्रा के साथ हर साल उड़ीसा के पुरी शहर में, उड़ीसा के पुरी शहर में, यही है, आप याद रखिएगा, उड़ीसा के पुरी शहर से संबंधित है इसका, में रथ यात्रा की सवारी करने निकलते हैं, और इस यात्रा को दुनिया भर में रथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा में शामिल होने का पुण्य 100 यज्ञों के बराबर माना जाता है। ये तो अलग बात है, इंपॉर्टेंट देखिए ये है, ये भगवान ना जगन्नाथ की एक रथ होता है, उसके बगल में उनके भाई बलराम का एक रथ होता है, और एक उनकी बहन सुभद्रा, ये 3 रथ निकलते हैं, और हजारों लोग इस भीड़ में चलते हैं इस रथ को लेकर। तो ये कहाँ मनाया जाता है, उड़ीसा के पुरी में। ठीक, भगवान जगन्नाथ के लिए। फिर अगला क्वेश्चन है, ओणम फेस्टिवल ओरिजिनेटेड इन द स्टेट ऑफ, अर्थात ओणम पर्व किस राज्य से संबंधित है। तो ओणम का संबंध किससे है, केरल से, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ओणम। ठीक, तो ओणम केरल का एक प्रमुख त्यौहार है, और इसे राज्य का आधिकारिक त्यौहार
माना जाता है। ओणम भाईचारे, समृद्धि और एकता का प्रतीक है। यह त्योहार नई फसल के आने की खुशी पर मनाया जाता है। तो नई फसल जब आती है उसके आने की खुशी में ओणम त्योहार मनाया जाता है पूरे केरल में। और देखिए ये ओणम त्योहार मना रहे हैं लोग, ठीक है। इसमें घरों में फिर से रंगोली बनाई जाती है, अलग अलग खाने के पकवान बनाए जाते हैं, ठीक। और इस तरह से जो एक्टर और एक्ट्रेस होते हैं वहाँ के लोकल, वो एक वहाँ का लोकल परिधान पहन के ऐसे रैलीज में निकलते हैं, ठीक। ओणम फेस्टिवल की बात यह है, यहाँ पे इसी ओणम फेस्टिवल के दौरान नौका की क्या होती है, रेस होती है, ठीक। देखिए ये बहुत सारी नौकाएं हैं, ये नदी में आपस में रेस करते हैं एक दूसरे से, ठीक। और जीतने वाली नाव को इनाम मिलता है, ठीक, उसमें जितने भी चालक होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नौका रेस का आयोजन कहाँ किया जाता है, ओणम में, ओणम त्योहार में, जो कि मनाया जाता है कहाँ पर, केरल राज्य में, ठीक, याद रखिएगा। एलिफेंट फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, अर्थात हाथी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। तो हाथी महोत्सव पहली बार कहाँ मनाया जाता है मैं बता चुका हूँ, राजस्थान में। अब राजस्थान के ही चारों शहर के नाम है। अब राजस्थान में कहाँ पर, जयपुर में, ठीक। तो जो एलिफेंट फेस्टिवल है कहाँ मनाया जाता है, राजस्थान के जयपुर शहर में। देखो हाथी महोत्सव भारत के राजस्थान राज्य के जयपुर शहर में मनाया जाने वाला एक महोत्सव है। हाथी महोत्सव की शुरुआत सजे धजे हाथियों, ऊंटों, घोड़ों और लोक नर्तकों के जुलूस के साथ होती है। मालिक अपने हाथियों को चटकीले रंगों, झूले एवं भारी गहनों से सजाते हैं। मादा हाथियों के पैरों में पायल होती है जो उनके चलने पर खनकती है। ये सब बातें केवल एक रेफरेंस पॉइंट के लिए बताते हैं, बस आपको ये याद रखना है कौन सा त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। अब हाथी महोत्सव देखिए, ये बहुत सारे हाथी हैं, अलग अलग तरीके के कपड़े पहने हुए हैं रंग बिरंगे, और इनके पैरों में पायल लगाई जाती है जो मादा हाथियां होती हैं, ठीक, ताकि जब वो चलती हैं तो खनकती हैं, ठीक। बहुत ही सुंदर लगता है ये हाथी महोत्सव, ठीक, अपने आप में यूनिक फेस्टिवल है जो कि राजस्थान के जयपुर शहर में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, संगाई फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट, अर्थात संगाई उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, ठीक। तो ये कहाँ पर मनाया जाता है संगाई फेस्टिवल, मणिपुर में। अगर आपको पता होगा तो मणिपुर में एक संगाई किरण पाया जाता है, उसी के नाम पर मणिपुर में संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है। तो मणिपुर में जब संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है तो ये कई दिन चलता है, नवंबर महीने मनाया जाता है, और उसमें बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं, जैसे गाना होता है, नाचना होता है, ठीक है। बहुत मतलब पूरी तरीके से कोशिश होती है जो टूरिस्ट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की, ठीक, मणिपुर में टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए ये मनाया जाता है। देखिए संगाई महोत्सव मणिपुर में मनाया जाने वाला एक ऐसा ही महोत्सव है। इस महोत्सव का उद्देश्य राज्य की संस्कृति को प्रदर्शित करना, साथ ही राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। तो मेन उसका पर्पज क्या है, राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देना। मणिपुर के पर्यटन विभाग द्वारा हर साल आयोजित किया जाने वाला यह महोत्सव पहली बार 2010 में शुरू हुआ था, तब से इसका आकार और भव्यता बढ़ती जाती रही है। संगाई महोत्सव का नाम मणिपुर के राज्य पशु संगाई हिरण या भूरे सिंह वाले हिरण के नाम पर रखा गया है, जो कि कल मणिपुर राज्य में पाया जाता है। देखिए ये मणिपुर राज्य में ही एक हिरण है जो कि ब्राउन कलर का होता है, इसे संगाई कहते हैं। यही कल मणिपुर में पाया जाता है, इसी के नाम पे ये संगाई फेस्टिवल मनाया जाता है, ठीक। तो चलिए आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बार बार मैं इस बोल रहा हूँ इस छोटे से क्वेश्चन को इसीलिए ताकि आपको याद हो सके, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि ओणम इज अ मेन फेस्टिवल ऑफ, देखिए क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, फिर से मैंने रखा है ताकि आपको पता चले रिपीटेशन हो रहा है। ओणम कहाँ का फेस्टिवल है, केरल का। और उस समय क्या होता है, औरतें घर में रंगोलियां मनाती हैं, जो नर्तक होते हैं वो विभिन्न वेशभूषा पहन के नाच गाना करते हैं, ठीक है, खाने पकवान बनते हैं, ठीक है। क्या होता है, नौका की रेस होती है, ठीक। तो ये सब चीजें ओणम से संबंधित है, ये नए फसल के आने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक। तो हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1 था। मैंने इसे आखिरी स्लाइड पे लेके आया क्योंकि इसमें कई चीजें थी डिस्कस करने के लिए। बिहू कहाँ पर मनाया जाता है, असम में, बिल्कुल सही, ठीक। ओणम आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, बिल्कुल गलत, अभी मैंने बताया ओणम कहाँ मनाया जाता है, केरल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है, तमिलनाडु में, बिल्कुल सही, पोंगल तमिलनाडु में मनाया जाता है। बैसाखी पंजाब में, बिल्कुल सही। तो इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ऑप्शन बी, ठीक। अभी आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा क्यों मैंने इसको लास्ट स्लाइड में रखा था, मल्टीपल क्वेश्चंस, ठीक। तो
ये क्वेश्चन मैंने क्विज के तौर पे दिया है, आप इसे लगा के बताइएगा, ठीक है? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है? कि इनमें से किस त्योहार में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है, मैंने बताया है, ठीक? तो बीहू तो असम में होता है, मैं बताऊंगा नहीं, बस ये बता रहा हूं कि कहां पे कौन सा मनाया जाता है, ठीक? ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में। पोंगल कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में। नवरात्रि तो मेरे ख्याल से नॉर्थ इंडिया में, खासकर यूपी बिहार में मनाई जाती है, ठीक? तो आप मुझे इसका सही जवाब बताइएगा कि ये नौका दौड़ कहाँ पर आयोजन किया जाता है, ठीक? तो इस प्रकार से आज हमने अपने इस लेक्चर के पार्ट, कल्चर के पार्ट टू को खत्म किया, जहाँ पे हमने भारत के प्रमुख जो त्योहार हैं उनके बारे में डिस्कस किया। तो थैंक्स यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक? अपने कमेंट्स या सुझाव जो भी होगा बताइएगा, मैं जल्दी ही कल्चर के दो तीन पार्ट्स और लेके आऊंगा और कल्चर का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, जितने भी पीवाईक्यू आए हैं आज तक कल्चर में, ठीक? थैंक यू।